त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर भगवानपुर व रामपुर प्रखंड के 9-9 पंचायतों में सोमवार को सुबह 7 बजे से शांतिपूर्वक मतदान की प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। मतदान केंद्रों पर बायोमेट्रिक सिस्टम से सभी मतदाताओं का अंगूठा और फोटो से पहचान करने के बाद ही मतदाता अपने अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। भगवानपुर प्रखंड के 9 पंचायतों में 63,541 मतदाता 1,088 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज अपने मत से करेंगे। भगवानपुर प्रखंड के 9 पंचायतों में 110 बूथ बनाए गए हैं, जिनमें सभी बूथों पर प्रशासन की कड़ी निगरानी में मतदान की प्रक्रिया शुरू कराई गई है। भगवानपुर प्रखंड में सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 3 बजे तक वोटिंग करने का समय निर्धारित किया गया है। हालांकि जिन मतदाताओं के हाथों में पर्ची होगा उसका हर हाल में वोटिंग कराना है। वहीं रामपुर प्रखंड के 115 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। मतदान केंद्रों पर पंचायत चुनाव के मतदान के लिए काफी उत्साह देखा जा रहा है। वहीं मतदाता सुबह 7 बजे से ही अपने मतदान केंद्रों पर वोटिंग करने के लिए पहुंचने लगे हैं और जहां मतदान केंद्रों पर महिला पुरुष मतदाताओं की लंबी कतारें लगने लगी है। रामपुर प्रखंड के सबार मध्य विद्यालय में 5 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें मतदान केंद्र संख्या 73 पर ईवीएम में तकनीकी गड़बड़ी सामने आया। 25 मिनट बाद उस मतदान केंद्र पर ईवीएम में सुधार होने के बाद मतदान शुरू हुआ। इस दौरान मतदाता परेशान होने लगे। रामपुर प्रखंड में 115 मतदान केंद्रों पर 65,857 मतदाताओं द्वारा 1,096 प्रत्याशियों के भाग का फैसला मतदान करके करेंगे। रामपुर प्रखंड में पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस बल के पदाधिकारी व जवान तैनात है। रामपुर प्रखंड में पंचायत चुनाव सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चलेगा।